काट तुम अपने सर्व झुकाए और दुआ। वो अगली याद किया क्या लिखा है तू प्रार्थना में अपने सर्व झुकाए और दुआ। आसमान और जमीन के खालिक मालिक हमारे रचने वाले प्रभु परमेश्वर एक बार फिर से खुदा मैं अपने आप को तेरे अनुग्रह के साए में लाता हूँ। पिता मेरी बुद्धि मेरे ज्ञान मेरी समझ मेरी योग्यताओं को शून्य कर पिता और इस पल से खुदावन मेरे मुख से जो निकले वो तेरा वचन हो तेरे लोगों के लिए बरकतें लेकर मन भराव का आत्मा लेकर और उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने का सबब यीशु के नाम से। मैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम 10 हुक्मों में से कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जिसे हम तोड़ते हो है? अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर हमें मानना चाहिए। और अक्सर ये खून वाले या जब आता है जिक्र की तू खून ना करना तो अगर किसी से पूछा जाए कि भाई तू क्या कहेगा आदमी भाई हम खून इसका मतलब हम सब इस आज्ञा को मानते हैं कि नहीं है? मैं तो खुदाई कलाम में लिखा है तू खून ना करना है ना। और एक तरफ खुदा मना कर रहा है खून करने के लिए और दूसरी तरफ यीशु मसीह खुद मछली खा रहे हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं बकरा मुर्गा बीफ फिश है ये सब उधर दूसरी तरफ अगर मैं और आप पुराना नियम देखें तो खुदा कलाम लिखा है खुदा ने जब सीनै पर्वत पर मूसा गया जब इन आज्ञाओं को लेने के लिए गया था और जब वो लौट के आया तो इसराइलियों ने क्या किया इसराइलियों ने अपने लिए सोने का एक बछड़ा तैयार कर लिया और वहां खुदा कलाम में लिखा है खुदा ने 3,000 लोगों को मार दिया। खुदा तो खुद है नहीं तो एक तरफ लिखा है कि तू खून ना करना दूसरी तरफ जो है खुदावन कह रहा है कि तू पाप बलि होम बलि मेल बलि करके जो है मेड़े को चढ़ाना कबूतर को चढ़ाना इसको चढ़ाना एक तरह से वो भी क्या है नहीं तो एक्चुअली खुदा का वचन जो है मुझे रात को आज की संध्या ये सिखाना चाहता है कि निश्चित तौर पर परमेश्वर ने खुद सबसे पहली कुर्बानी मनुष्य के लिए दी। सबसे पहली कुर्बानी मनुष्य के लिए कब की मैं तो आदम की वाटिका में खुदा कलाम में लिखा है आदम अब्बा अनज्ञाकारी हो गए और अनज्ञाकारी होकर जब खुदावन ठंडे समय में उनसे मिलने के लिए आया तो खुदा कलाम में क्या लिखा है खुदा ने कहा आदम आदम तू कहां है तो आदम ने क्या कहा आदम का प्रभु मैं तेरा शब्द बारे में सुनकर डर गया था मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था और उसने अपने लिए क्या किया अंजीर के पत्ते तोड़े या कोई भी कोई पत्ते तोड़े उसके लिए उसके साथ अपने लिए लंगोट बना लिया। तब खुदा ने मनुष्य के नंगेपन को छुपाने के लिए क्या किया उसने चमड़े के वस्त्र बनाए और चमड़े के वस्त्र वैसे तो बने नहीं होंगे चमड़े का वस्त्र चमड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ा होगा किसी को कुर्बान करना पड़ा होगा उसमें से खाल निकालना। मैं तो जानवरों की जहां तक बात है मैं तो खून वहां तक नहीं है जब तक जानवर किसी उद्देश्य के लिए कुर्बान किए जाए। मैं तो अगर मैं उड़ा खून कर रहे हैं जानवरों का तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। मैं तो अगर उद्देश्य के साथ में और आप किसी जानवर का खून कर रहे हैं तो वो खून की श्रेणी में नहीं आता। अगर मैं और आप भोजन के लिए अगर मैं और आप किसी को मार रहे हैं और उसे खा रहे हैं तो क्या वो हत्या नहीं। लेकिन अगर मैं और आप शौक के लिए किसी को मार रहे हैं जिसका कोई पर्पज नहीं है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत सारे लोग शौक के लिए शिकार करते हैं उन्हें शिकार करने में मजा आता है। कबूतर नहीं मिली कोई बात नहीं एयरगन हाथ में है किसी भी जंगली के ऊपर उड़ा दिया और भले ही उसे ना खाया जंगल में ही उसे छोड़ के चले गए। वैसे राजा महाराजा जो है वो
पुराने जमाने में शौक के लिए शिकार किया करते, निशाना चेक करने के लिए शिकार किया। ये सब क्या है? सिंपली किसी भी जानवर की कुर्बानी या जानवर की हत्या अगर मैं और आप किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के बिना कर रहे हैं। खुदावंद ने मनुष्य के लिए पहले जानवर की कुर्बानी की, और मैं तो पहली हत्या मनुष्य ने कब की? मैं तो खुदा कलाम में लिखा है परमेश्वर ने केन की कुर्बानी नहीं की और हाबिल को, मैं तो मनुष्य की हत्या मनुष्य ने की। लेकिन अगर मैं और आप बॉर्डर पर चले जाए तो दिन और रात इंडियन आर्मी जो है वो नेबरिंग कंट्रीज जो है उन्हें मारती है, यहूदी भी जो है दूसरे देशों के सिपाहियों को मारते हैं। क्या वो हत्या की श्रेणी में आता है कि नहीं? वो भी हत्या की श्रेणी में नहीं आता। मैं तो वो सेल्फ डिफेंस, उसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य। मैं तो इसराइलियों खुदा के कलाम में कहा परमेश्वर खुद इसराइलियों की तरफ से लड़ता था। खुदावंद खुद क्या करता था? कनानियों पर विजय दिलाता था, मुआबियों पर विजय दिलाता था, अमोनियों पर विजय दिलाता था और तमाम लोगों के ऊपर विजय दिलाता था जो उनसे लड़ते थे। वो भी क्या है? पर्पस है उसमें। लेकिन खुदा इकलाम में एक और नियम परमेश्वर ने दिया है, उत्पत्ति उसका नवा दिया, उसकी छठवीं आयत को अगर मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो मनुष्य का लहू बहाएगा उसका भी लहू मनुष्य ही बहाएगा। मैं तो खुदावंद कभी नहीं चाहता कि मनुष्य का लहू बिना किसी पर्पस के बहाए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? मैं अगर इस घर में चोरी करने आया और भैया गौरव ने मुझे देख लिया और मैंने इनमें चाकू मार दिया, इसे सेल्फ डिफेंस में आएगा या नहीं आएगा? है? मैं इनके घर पे चोरी करने आया और इन्होंने मुझे चोरी करते देख लिया और मैंने इनमें चाकू मार दिया, तो क्या ये सेल्फ डिफेंस में आएगा या नहीं आएगा? है? ये हत्या की श्रेणी में आएगा। अरे हम तो गलत इंटेंशन से इनके घर में घुसे ना, हम तो चोरी करने के लिए इनके घर में घुसे और हमने चाकू मार दिया, तो हमने दो हुक्म तोड़ दिए, पहला चोरी ना करना और दूसरा हत्या। दो हुक्म तीन तो होगी भाई साहब, तीन तो लालच किया ना, लालच भी किया, लालच किया, चोरी की, हत्या किया, मतलब ऑल टुगेदर हमने कई सारे हुक्म तोड़ दिए। वैसे मेनली खून की या हत्या की श्रेणी में ये है। लेकिन अगर वहीं पर इन्होंने जो है अपने बचाव के लिए अगर किसी और को मार दिया तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं, वो सेल्फ डिफेंस में। मैं तो आप ये सारी बातें सुनते हैं लिटरल हत्या करने की। अब बताइए आप में से किसी के ने किसी की हत्या की है कि नहीं? है? मैं तो आपने कभी अपने भाई पर अपनी बहन पर क्रोध किया है कि नहीं? है? और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यदि तू अपने भाई पर अपनी बहन पर अकारण क्रोध करता है तो तू उसकी हत्या करता है। निश्चित तौर पे मैं और आप लिटरल ट्रांसलेशन या लिटरल बात तो समझ लेते हैं कि मैंने चाकू से, बंदूक से, ईंट मार के, एक्सीडेंट करके किसी की हत्या नहीं की। लेकिन अगर मैं और आप हार्श वर्ड भी अपने भाई के साथ यूज करते हैं, अगर मैं और आप कठोर शब्द अपने भाई के साथ यूज करते हैं, अगर मैं और आप अकारण अपने भाई पर क्रोध करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं और आप हत्या करते हैं। मैं और आप भावनात्मक रूप से हत्या करते हैं, मैं और आप आत्मिक रूप से हत्या करते हैं, मैं और आप सामाजिक रूप से हत्या करते हैं, मैं और आप रिलेशन के रूप में हत्या करते हैं। मैं तो अब हमने हत्या की है कि नहीं? है?
हमें तो खुदा इकलाम में लिखा है जो हत्या करेगा वो किसी भी तरह से निर्दोष नहीं। खुदावन चाहता है, इसीलिए खुदा इकलाम में यीशु मसीह ने बड़ी उत्तम बात कही है। यीशु ने कहा कि जब तू मेरी वेदी पर भेंट लेकर आए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के लिए तेरे मन में कुछ बैर है, खुदा हत्यारों की कुर्बानी कभी कबूल नहीं करेगा। तो खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है तू जा पहले अपने भाई से मेल कर, फिर तू मेरी वेदी पर भेंट लेकर आना, तब मैं तेरी कुर्बानी को कबूल करूंगा। मैं तो कई बार मुझे और आपको लगता है कि मैं और आप बहुत धार्मिक स्तर पे, किसी से भी अगर पूछो कोई भी ये नहीं कहेगा हाँ भाई साहब मैंने हत्या करी। सबको क्या लगता है? मैंने खून नहीं किया, मैंने बाकी 10 हुक्मों में से कुछ भी हुक्म तोड़ दिया, लेकिन मैंने खून वाला हुक्म नहीं तो। लेकिन निश्चित तौर पर परमेश्वर आज की संध्या मुझसे रात से कहते हैं मुझे और आपको क्या करना है। मैं और आप अगर अपने मन के अंदर क्रोध भी पाल के बैठे हैं किसी अपने भाई के लिए, किसी अपने पड़ोसी के लिए, किसी अपने रिलेटिव के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं और आप परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने में इन्वॉल्व है। और जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा क्या उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है? नहीं। कलाम लिखा है तू सारी व्यवस्था को पूरा करे और अगर एक में भी यदि छूट जाए तो तू धर्मी नहीं। मैं तो खुदावन चाहता है कि आज की संध्या में और आप अपने हृदयों को जांचें परखें कि मैं तो रोजों के दिनों में मैंने और आपने कितना क्रोध किया, रोजों के दिनों में पर मैंने और आपने अपने भाई पर अपनी बहन पर कितनी फ्रस्ट्रेशन उतारी, मैंने और आपने अपने हृदय को पाक और पवित्र किया है या नहीं। अगर नहीं किया है, अगर मैंने और आपने इन रोजों के दिनों में भी अपने रिश्तों के अंदर अगर टूटन रखी है, रोजों के दिनों में भी अगर मैंने और आपने अपने भाई और अपनी बहन के लिए मन के अंदर मैल रखा है, अगर रोजों के दिनों में भी मैंने और आपने अपने दोस्त अपने भाई अपनी बहन के लिए अगर क्रोध रखा है, तो डेफिनेटली मेरे आपके रोजे कभी कबूल नहीं हुए। क्योंकि मैं जो क्रोध जैसे ही मन में आता है, मैल जैसे ही मन में आता है, वैसे ही हम बहुत सारी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। मैं तो क्यों नम्रता, दीनता, संयम, धीरज, भलाई, कृपा है, दया, सहनशीलता, क्षमा, ये सब कुछ चीजें मेरी आपकी जिंदगी से चली जाती है। क्योंकि क्रोधी मनुष्य कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्रोधी मनुष्य कभी दया, करुणा, नम्रता, धीरज, संयम नहीं रख पाते। क्रोध में मैं और आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपना धीरज खोते हैं, सबसे पहले अपना संयम खोते हैं। खुदा की कलाम में लिखा है ये जीभ भी है जो मुझे और आपको स्वर्ग मार्ग में भी लेके जा सकती है और नरक के द्वार पर भी लेके जा सकती है। क्रोध में सबसे पहले क्या होता है? हमारा कंट्रोल अपनी जीभ पे से हट जाता है। मगर आप खुद नहीं, मैं तो खुदा की कलाम में लिखा है गाली देने वाले कभी स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं होंगे। मुझे और आपको लगता है कि गाली देने का मतलब सिर्फ मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी है फादर, ये वाली गालियां है ना। कई लोग सोचते हैं मैं तो गाली देता, मैं तो जिंदगी में कभी गाली नहीं। गाली देने का मतलब है सामने वाले के लिए अपशब्द निकालना, चाहे उसकी फॉर्म कैसी ही क्यों ना। और गाली देने का मतलब अगर मैंने और आपने किसी की बुराई भी करी है तो वो भी गाली की ही श्रेणी है। इस संसार ने गालियों को जो है कुछ नाम दे दिए हैं और हमें लगता है यही नॉर्म्स हैं गाली के, लेकिन गाली का मतलब अपने भाई के लिए कुछ बुरा कह देना वो भी गाली ही, और अपने भाई के लिए कुछ बुरा सोच लेना वो हत्या ही है। मैं तो खुदावन चाहता है इसलिए मैं और आप आपसी मोहब्बत, मिलनसारी, प्रेम और आपसी भाईचारे में अपने जीवन को व्यतीत करें। खुदावन इसीलिए कहता है पहला पत्र उसके पहले अध्याय कि पवित्र बनो जिस तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। खुदावन चाहता है कि मैं और आप
हर तरह से पवित्रताई में आगे बढ़े। खुदावन चाहता है कि जो कमियां जो घटियां मेरी आपके जीवन में है वो मेरी आपकी जिंदगी से दूर की जाए। मेरी तो चाहे हालात कैसे भी क्यों ना, चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना, मेरी तो खुदावन चाहता है कि मैं और आप मिलनसारी में अपने जीवन को व्यतीत करें। और हमारे मन के अंदर मैल कब आता है, हमारे मन के अंदर क्रोध कब उत्पन्न होता है, हम अपने भाई के साथ कब जो है वो प्रेमी स्वभाव के साथ नहीं जी पाते हैं, उसके दो ही कारण है या दो ही मानसिक कहना चाहिए परिस्थितियां। पहला, जब मैं और आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो तो मुझे और आपको लगता हो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब जलन, कि जब मुझे और आपको लगता हो कि ये मुझसे बेहतर है, इसको सब प्यार करते हैं, इसकी सब बात इसके साथ ही हो रहा, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसे कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा धार्मिक हूं, मैं बहुत ज्यादा बड़ा, मैं बहुत सही काम करता हूं, मैं बहुत सही डिसीजन लेता हूं, यह कुछ भी नहीं। ये दो ही स्टेज मनुष्य की ऐसी है जिनके बाद बाकी सब चीजें अपने आप जुड़ जाती है। या तो मैं और आप अपने आप को बहुत कमजोर समझते हो, या मैं और आप अपने आप को बहुत उत्तम समझते हो, ये दोनों ही भावनाएं अगर मनुष्य के मन में आ गई तो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना वो ठहर नहीं सकता, चाहे कोई सा भी रिश्ता क्यों ना हो वो सस्टेन नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे और आपको क्या, इसी खुदाई का नाम लिखा है, तू क्या कर, अपने पड़ोसी को अपने से बेहतर जान, है ना, ऐसा लिखा है, ना तो अपने पड़ोसी को अपने से बेहतर जान, ना अपने पड़ोसी को अपने से कमजोर जान, समझ रहे, ना तो उसमें ऊपर है ना ही नीचे। उसमें क्या लिखा है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसका मतलब पड़ोसी ना तो तुझसे बहुत ऊंचा है ना ही तुझसे बहुत नीचा, वो बिल्कुल कैसा है, तेरे जैसा। और रिश्ते संसार में कब लंबे चलते हैं, जब हमें लगता है कि ये हमारे जैसा। इसीलिए खुदाई कलाम में लिखा है परमेश्वर ने भी मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था, क्यों, जिससे कि मनुष्य का और परमेश्वर का रिश्ता जो है वो बना मधुर बना रहे। वो तो मैं और आप खुद है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को प्रूव भी किया। यीशु कहते हैं यदि तुम मेरे पिता पर विश्वास करते हो या मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो यीशु मसीह करके गया उससे भी बड़े काम करोगे। इसका मतलब मनुष्य की पावर का, उसकी जो है वो उसके विचारों का, उसके कामों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है, जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं तो खुदावंद ने स्वर्ग पे अधिकार रखा और मनुष्य को इस संपूर्ण क्रिएशन का अधिकारी बनाया। तुम अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, तुम अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, लेकिन दोनों ही है तो अधिकारी। खुदावंद ने स्वर्ग का अधिकार अपने हाथों में लिया और पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में, तो हो गया ना समानता। वो तो मैं और आप खुद है जिसने अनज्ञाकारी होकर अपने अधिकारों को तुच्छ जाना और उस अधिकार को खो दिया। इसलिए मैं और आप जो है वो गुनाह के अंडर में आ गए, वरना परमेश्वर ने तो मुझे और आपको अपनी समानता और अपने स्वरूप में ही बनाया। मैं तो इस संसार में इसलिए अपना एक कलाम में कहा है, किसी को भी अपने से कमतर करके न जानना। मैं तो हम सब जो है परमेश्वर की संतानें हैं, हम सब खुदावन के बेटे और उसकी बेटियां, जैसा परमेश्वर जो है संपूर्ण मानव जोनी के ऊपर एक समान मोहब्बत दर्शाता है। मैं तो सूर्य धर्मी पर भी उगता है और अधर्मी पर, पानी हवा, परमेश्वर कभी किसी का वो करता है न्याय या कभी किसी के साथ पक्षपात करता है, उसके लिए संपूर्ण मानव जोनी एक सी। मैं तो ऐसे ही मुझे मेरे और आपके लिए भी, हम चाहे हमारे पारिवारिक जन हो, चाहे हमारी कलीसिया हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो,
चाहे हमारे दोस्त हों, हम सबको क्या करना चाहिए, एक समान प्रेम करना चाहिए। जब मैं और आप सबके साथ एक समान प्रेम करेंगे तो हमारे मन के अंदर अपने भाई के लिए कोई क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, और जब क्रोध उत्पन्न नहीं होगा तो मैं और आप इस आज्ञा को वायलेट करने से, इस आज्ञा को तोड़ने से बचे रहेंगे। मैंने और आप में न जाने कितनी बार खुदावंत की आज्ञा को तोड़ा होगा, मैं और आप खुद भी नहीं, काउंट भी नहीं कर सकते। अगर जनरली किसी से पूछा जाए कि भाई तूने खून 10 हुक्मों में से ये वाला हुक्म तोड़ा है कि खून ना करना, सब क्या कहेंगे, भाई मैंने आज तक बंदूक छुई भी नहीं हाथ में, आज तक चाकू भी नहीं लिया हाथ में। नहीं तो अगर मैं और आप अब शब्द बोलकर अपने भाई की हृदय को खेदित कर रहे हैं, अगर मैंने और आपने अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का अगर शब्दों को निकाल कर भी दिल दुखाया है, तो निश्चित तौर पर जान लेना मैंने और आपने हत्या कर दी है। खुदावन चाहता है कि मैं और आप इस हुक्म को तोड़ने से बचे रहें, इसलिए अपने हृदय के अंदर प्रेम, संयम, नम्रता, दीनता, करुणा, दया और तमाम खुदावन की आत्मा के फलों को भर के रखें, जिससे कि जो कुछ हमारे मुख से निकले वो भला ही निकले। रोजों के दिनों में विशेष तौर पर खुदावन चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा, उसकी शिक्षा, उसकी व्यवस्थाओं को माने। मई को पहला यहूदा में लिखा है, उसके पांचवें अध्याय में वो लिखा है आज्ञा मानना, वहां लिखा है, सॉरी वहां लिखा हुआ है, यदि तुम उसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानना। और खुदावन ने यह भी कहा यदि भेंट चढ़ाना, कुर्बानी, आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर। मैं और आप खुदावन की आज्ञाओं को मानना, चाहे वो कोई सी भी क्यों ना, तब मैं और आप निश्चित तौर पर खुद भी परमेश्वर के सामने भागते हुए जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में ठहरेंगे, और खुदावन मेरे और आपकी जिंदगी की इबादतों को कबूल करेगा। प्रार्थना में अपने सर्व चुकाए नरमाई थे खुदावन एक बार फिर से पिता की संध्या, पिता आपके उस अनुग्रह के लिए जो हम सबके जीवनों पर ठहरा है। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर श्री खुदावंद आप हम सबके साथ रहें, हमारे हृदयों को खुदावंद आप पाप और पवित्र करें। पिता हम अपने हृदयों के अंदर पिता जो घृणा, जलन, द्वेष, अहंकार या किसी प्रकार का क्रोध लेकर बैठे हैं, खुदावंद हम उन्हें अपने हृदयों के अंदर से निकालें, और प्रभु तमाम उन टूटे हुए रिश्तों को पिता परमेश्वर हम फिर से जोड़ें, और खुदावंद मसीह कलीसिया में एक हो जाए। पिता इस गरीब अजीज घर पर वाल के लिए आपका शुक्र करते हैं, अपनी अजीत आंटी के लिए पिता, इन उम्र की दराजी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, दोनों भाइयों के लिए, बहनों के लिए पिता, इस कुमार के बच्चों के लिए खुदावंद अपनी बड़ी अनुकंपा ठहराना, इनके तमाम प्रियजन परिजनों पे आपका अनुग्रह बना रहे। परमेश्वर ये खलीसिया और